खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि अब से थोड़ी देर में सिसोदिया की कोर्ट में पेशी होने वाली है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी होगी मनीष सिसोदिया की। सिसोदिया के वकील राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे हैं। सीबीआई के वकील भी कोर्ट के लिए रवाना हुए हैं। मनीष सिसोदिया का सीबीआई मुख्यालय में मेडिकल हुआ है। एम्स के डॉक्टर्स ने मनीष सिसोदिया का मेडिकल किया है। अब से थोड़ी देर में मनीष सिसोदिया को कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेकिन जगह जगह पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। अब से थोड़ी देर में मनीष सिसोदिया की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी होने वाली है और देखिए किस तरीके से नारेबाजी करते हुए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। सुबह से ही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर कार्यालय पर पहुंच रहे थे, लगातार वहां पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, प्रदर्शन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि मनीष सिसोदिया की अब से थोड़ी देर में कोर्ट में पेशी होने वाली है। नारेबाजी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी का कहना है कि सच्चे देशभक्त और कट्टर ईमानदार को गिरफ्तार किया गया है साजिशन, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी पर ये आरोप लगते आए हैं कि जो एजेंसियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर काम कर रही हैं, बिना सबूत के बिना आधार के साजिशन मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की गई है। और अब से थोड़ी देर में मनीष सिसोदिया कोर्ट में पेश होने वाले हैं। सीबीआई दफ्तर के बाहर, सीबीआई हेडक्वार्टर के बाहर धारा 144 लागू कर दी गई है, क्योंकि बड़ी संख्या में जब रविवार को मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई थी उस समय बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंच गए थे। हालात बेकाबू हो गए थे। हालात को काबू करने के लिए धारा 144 लागू करनी पड़ी। पूरा मामला नई शराब नीति में घोटाले को लेकर है। दरअसल मई 2020 में दिल्ली सरकार विधानसभा में नई शराब नीति को लेकर आती है, जिसे नवंबर 2021 में लागू किया जाता है। सरकार ने नई शराब नीति को लागू करने के पीछे प्रमुख तर्क दिए थे। तर्क वो ये थे कि दिल्ली में शराब माफिया और कालाबाजारी को समाप्त करना है, दिल्ली सरकार के राजस्व को बढ़ाना है, शराब खरीदने वाले लोगों की शिकायत को दूर करना है और साथ ही साथ हर वार्ड में शराब की दुकानों का समान वितरण होगा। ये तर्क दिया गया था नई शराब नीति को लाने के लिए। अब आरोप क्या लगे हैं? दरअसल नई शराब नीति को लेकर 22 जुलाई 2022 को दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की। मांग इसलिए थी क्योंकि उन्हें यह लगा कि इस पूरे मामले में इस नई शराब नीति में घोटाला हुआ है। सक्सेना ने केजरीवाल सरकार के मंत्री सिसोदिया पर नियमों को नजरअंदाज कर भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाए। बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर नए टेंडर के बाद गलत तरीके से शराब ठेकेदारों के 144 करोड़ माफ करने के आरोप लगाए थे। और इस आरोप के मद्देनजर लगातार मनीष सिसोदिया से कई बार पूछताछ भी हुई थी। आतिशी को आप देख रहे हैं, आतिशी को आप सुन रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता नहीं चलेगी तानाशाही के नारे लगाती हुई वो नजर आ रही है, क्योंकि आरोप यही है कि तानाशाही की इंतहा है। क्योंकि एक बेहतर शिक्षा का मॉडल मनीष सिसोदिया ने दिया, जिसकी विदेशों तक चर्चा हुई, आम आदमी पार्टी ये कहती आई है और यही भारतीय जनता पार्टी को पच नहीं रहा है। और इसीलिए आम आदमी पार्टी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी लगातार साजिश कर रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ही वही पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी को आज के समय में टक्कर दे रही है। और अब से थोड़ी देर में मनीष सिसोदिया की पेशी होनी है। इस पर ज्यादा जानकारी देंगी पलक प्रकाश, मेरी सहयोगी, हमारे साथ कनेक्ट हो चुकी हैं। पलक, बताइए जरा जानकारी क्या है, अब से कितनी देर में मनीष सिसोदिया को कोर्ट में पेश किया जा सकता है? पलक, आवाज मिल रही है आपको? देखिए, लगातार हम तस्वीरें दर्शकों को दिखा भी रहे हैं। जिस तरीके से मैंने अभी तस्वीरें दिखाई थी, हलचल यहां पर बढ़ चुकी है और अब किसी भी वक्त पेश किया जा बिल्कुल दीपिका, आवाज मुझे आपकी मिल रही है और तस्वीरें भी लगातार हम दर्शकों को यहां पर दिखा रहे हैं। जिस तरीके से अभी मैंने तस्वीरें दिखाई थी थोड़ी देर पहले भी, हलचल यहां पर बढ़ चुकी थी। यहां पर
सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर दी गई और किसी भी वक्त मनीष सिसोदिया यहां से राउज एवेन्यू कोर्ट के लिए रवाना हो सकते हैं। हालांकि देखिए 2 बजे का समय दिया गया था कि 2 बजे यहां से रवाना होंगे, लेकिन फिलहाल 2:40 हो चुके हैं, लेकिन फिलहाल मनीष सिसोदिया रवाना यहां से नहीं हुए हैं। लेकिन जो यहां की हलचल देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब किसी भी वक्त रवाना हो सकते हैं, क्योंकि 3 बजे राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी का वक्त है 3 बजे। हालांकि जो मनीष सिसोदिया के वकील हैं वो कोर्ट में पहुंच चुके हैं, वो ऑलरेडी कोर्ट में पहुंच चुके हैं और यहां से अब किसी भी वक्त मनीष सिसोदिया निकल सकते हैं। थोड़ी देर में उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा, उनके वकील ऑलरेडी कोर्ट पहुंच चुके हैं। बताया जा रहा है कि सिसोदिया जमानत याचिका दाखिल कर सकते हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई स्पेशल जज एमके नागपाल की कोर्ट में मनीष सिसोदिया की आज पेशी होनी है और उनके पक्ष रखने के लिए वकील मोहित माथुर और सिद्धार्थ अग्रवाल भी पहुंच गए हैं। वरिष्ठ वकील दयान कृष्णन भी कोर्ट पहुंच चुके हैं। तो कुल मिलाकर दीपिका कह सकते हैं तैयारियां पूरी हो चुकी है और किसी भी वक्त यहां से मनीष सिसोदिया राउज एवेन्यू कोर्ट के लिए रवाना हो सकते हैं। सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है। एक बार मैं विवेक को कहूं, विवेक अगर संभव हो पाए तो एक बार सुरक्षा व्यवस्था दिखाइए यहां पर, किस तरीके से रस्सी लगा दी गई है, बैरिकेटिंग कर दी गई है, सीआरपीएफ के यहां पर जवान भारी संख्या में मौजूद है, तमाम सुरक्षा बल यहां पर मौजूद है और ये हलचल देखकर, ये तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि अब किसी भी वक्त मनीष सिसोदिया यहां से राउज एवेन्यू कोर्ट के लिए निकल सकते हैं। पलक, ये डिले क्यों हो रहा है? पलक, ये डिले क्यों हो रहा है? क्योंकि आप जैसे कि बता रही हैं बार बार कि 2 बजे करीब यहां से मनीष सिसोदिया को लेकर जाना था और 3 बजे करीब पेशी होनी है, तो डिले की वजह क्या रही है? देखिए दीपिका, हो जाता है जिस तरीके से मेडिकल हुआ, हालांकि मेडिकल उनका पूरा हो चुका है लेकिन तमाम तरीके की इसमें तैयारियां होती है, उसके चलते लेट हो रहा है। हालांकि हर किसी की नजरें इस पर टिकी हुई है, सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता है और किसी भी वक्त, अब चूंकि जो सुरक्षा के मद्देनजर भी पूरी पूरी जानकारियां नहीं बताई जाती है वहां से भी किस वक्त निकलेंगे, देरी क्यों हो रही है, लेकिन हाँ किसी भी वक्त अब निकल सकते हैं क्योंकि 3 बजे मैंने बताया कि राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी होने का समय दिया गया है। तो किसी भी वक्त यहां से मनीष सिसोदिया निकल सकते हैं और उसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर दी गई है। यहां तक कि मीडिया कर्मियों को भी जो लाइन से क्रॉस नहीं करने दिया जा रहा है सुरक्षा के मद्देनजर। और यहां पर जिस इलाके में मैं मौजूद हूं यहां पर धारा 144 भी लागू है, धारा 144 यहां पर लागू कर दी गई है और यहां पर इस क्षेत्र में लोगों के एकत्रित होने के लिए मनाही की गई है सुरक्षा के कारणों को देखते हुए। क्योंकि एक तरफ जिस तरीके से अभी आप तस्वीरें भी दिखा रहे थे, तमाम जो आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है, जो नेता है, वो सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, ना सिर्फ दिल्ली में बल्कि पूरे देश में देशव्यापी प्रदर्शन चल रहा है आम आदमी पार्टी का। तो उसको देखते हुए तमाम तरीके के एहतियात बरते जा रहे हैं, क्योंकि कल ही ये वही जगह है दीपिका जहां से तस्वीरें निकलकर सामने आई थी, कितनी ज्यादा तस्वीरें, जहां पर बहुत ज्यादा कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे और यहीं पर वो तस्वीरें कल की जो हमने देखी थी। और इसको देखते हुए दिल्ली पुलिस की सतर्कता बढ़ा दी गई है। अगर बात करें जिस तरीके से लगातार वॉर छिड़ा हुआ है दिल्ली में, आम आदमी पार्टी वर्सेज बीजेपी लगातार छिड़ा हुआ है और ऐसे में आज की बात की जाए तो हर जगह दिल्ली से लेकर यूपी तक, हर जगह मध्य प्रदेश में हर जगह प्रदर्शन किया जा रहा है पार्टी की तरफ से और उसी को लेकर अब यहां पर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर दी गई है। हर किसी की निगाहें हैं, अब किसी भी वक्त मनीष सिसोदिया यहां से रवाना हो सकते हैं राउज एवेन्यू कोर्ट के लिए। बिल्कुल ठीक है पलक, आपका बहुत शुक्रिया अपडेट हमें देने के लिए। अब से थोड़ी देर में मनीष सिसोदिया की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी होने वाली है, लेकिन उससे पहले ये देखिए किस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा। आतिशी को आप देख रहे हैं, सौरभ भारद्वाज को आप देख रहे हैं, संजय सिंह का बयान आपको सुनाया, गोपाल राय को आपने सुना, सभी की तरफ से एक बात कही जा रही है कि ये तानाशाही है और इसे ही प्रमुखता से प्रखर तरीके से आम आदमी पार्टी कह रही है। अब यह भी देखना होगा कि कोर्ट में पेशी के दौरान क्या कुछ होता है। आतिशी को आप देख रहे हैं, सौरभ भारद्वाज साथ में मौजूद हैं और यहां नारेबाजी करते हुए ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार प्रदर्शन बढ़ता जा रहा था, इसीलिए कई कार्यकर्ताओं को, बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को, नेताओं को डिटेन भी किया गया। और देखिए एक ही नारा दिया जा रहा है, लड़ेंगे और जीतेंगे, लेकिन यहां से आम आदमी पार्टी की मुश्किलें अब बढ़ने वाली है, क्योंकि आप ये समझिए कि मनीष सिसोदिया जिनके पास वित्त विभाग भी है, कुल मिलाकर 22 विभाग हैं मनीष सिसोदिया के पास, ऐसे में उनकी गिरफ्तारी और साथ ही साथ जब गिरफ्तारी है तो फिर जिन 22 विभागों का जिक्र और जो 22 विभाग मनीष सिसोदिया के पास हैं उनका काम फिर आगे कैसे चलेगा। और आनंद मेरे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, क्योंकि अब से थोड़ी देर में मनीष सिसोदिया की पेशी होने वाली है, नजर रहेगी कि कितने दिन की रिमांड मिलती है सीबीआई के अफसरों को।
जी आपने बिल्कुल सही कहा, सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि सीबीआई अपने आरोपी जो कि शराब कांड में आरोपी कल मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर चुकी है कि रिमांड कितने दिन की रहेगी। अगर बात करूं देखिए मेरे पीछे जो राउज एवेन्यू कोर्ट है जहां कुछ देर पहले जो सीबीआई मुख्यालय से मनीष सिसोदिया को निकलेंगे और सीधे यहां राउज एवेन्यू कोर्ट आएंगे और आप देखिए गेट नंबर 3 है जहां पर लॉकअप स्टाफ और जेल वैन की एंट्री होती है। तो आप खुद समझ सकते हैं यहाँ पे सीबीआई लाके पेश करेगी और उनके बाद सीबीआई का सबसे बड़ा और मेन मोटिव इसमें यही रहेगा कि मनीष सिसोदिया जो कि शराब कांड के आरोपी हैं और उसमें सबसे ज्यादा दिन बेल सबसे ज्यादा दिन मिल सके क्या नाम सबसे ज्यादा क्या नाम सबसे ज्यादा मिल सके रिमांड को लेकर सबसे ज्यादा दिन मिल सके। और अगर बात करें पुलिस इस मामले में पूरी तरह से हैरान है कि लगातार आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बेहद एग्रेसिव मिल रहे हैं। कुछ देर पहले ही आम आदमी पार्टी के ऑफिस के सामने उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया जहां पर लाखों की संख्या में थे, जिसको पुलिस ने समझाने की कोशिश की, लेकिन उसी दौरान देखा गया कई बार पुलिस और आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं में झड़प भी हुई, जिसके चलते धारा 144 लागू की गई और उसके बाद भी आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को जिसमें विधायक जनरल सिंह से लेकर कई नेताओं को डिटेन भी किया गया है। लेकिन आप सबसे बड़ी देखने वाली बात यह है कि लगातार आम आदमी पार्टी यहां एक तरीके से प्रेशर पर प्रेशर टैक्टिक पे काम कर रही है और लगातार प्रशासन पे प्रेशर बना रही है कि जितनी कोशिश हो सके कि डिटेन या कहें सीबीआई जब लेकर कोर्ट में आएगी तो रिमांड कितने दिन की होती है। सबसे बड़ा बात यही है कि जहां तक सीबीआई की बात करें सीबीआई इस मामले में पूरी तरह से रिमांड को लेकर बदस्तूर 10 दिन की रिमांड मांगने की कोशिश करेगी, लेकिन अगर बात करें वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद पे थे और इस वक्त भी हैं तो उसको लेकर अब सबसे ज्यादा विवेक जज के दिमाग पर पड़ेगा कि कितने दिनों की वो रिमांड देते हैं और जिसके चलते उन रिमांड के दिनों पे उनकी कार्रवाई या कहीं पूछताछ को लेकर क्या क्या निकलता है। सबसे बड़ी बात यही है। जी बिल्कुल आनंद, एक बात और क्योंकि ये भी बताइए कि जगह जगह पर दिल्ली में आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, तो दिल्ली की जनता इसे किस तरीके से देख रही है? क्योंकि इससे पहले जब मनीष सिसोदिया के लॉकर को खंगाला गया था उस समय कुछ नहीं मिला था और आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा गया कि देखिए कुछ नहीं मिला है, यहाँ बेवजह इस तरीके से कार्रवाई की जा रही है क्योंकि हम भ्रष्टाचारी है ही नहीं, तो दिल्ली की जनता इस पर क्या रिएक्ट कर रही है? जी अगर दीपिका आपने सही बात की, लगातार हम बात कर रहे थे मनीष सिसोदिया तो मीडिया के दौरान उन्होंने साफ बताया कि मैं लगातार सीबीआई से कोऑर्डिनेट कर रहा हूं और उनसे बातचीत कर रहा हूं, लेकिन जब कल सीबीआई का बयान आया वो बेहद ही विपरीत था। उन्होंने सीबीआई ने साफ बताया कि हमने कई क्वेश्चंस किए जिनका जवाब मनीष सिसोदिया ने नहीं दिया, जिसके बाद हैरानी थी, हम लोग भी हैरान थे कि मनीष सिसोदिया की बोलनी और कथनी में कितना फर्क है। और आपको मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं ने प्रोटेस्ट किया था जिसके चलते उनको डिटेन किया गया था। पुलिस ने अब इसको सतर्कता से देखते हुए आप देख सकते हैं लगातार कोशिशें कर रही है। दिल्ली पुलिस का एक भारी भरकम अमला सड़कों पर है और राउज एवेन्यू कोर्ट के चारों तरफ से बैरिगेटिंग कर रखी है। वो पुलिस कोशिश कर रही है कि हर एक प्रोसेस को अब शांतिपूर्वक तरीके से किया जा सके, क्योंकि कई भारत में कई जगह पे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रोटेस्ट किया था, चाहे बात करें दिल्ली की सीबीआई हेडक्वार्टर की और यूपी की, तो कई जगह से प्रोटेस्ट की खबरें आ रही थी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस भी पूरी तरह से सचेत होकर लगातार कोशिशें कर रही है कि इस हर एक चीजों को प्रॉपर शांतिपूर्वक तरीके से की जा सके, जिसमें दिल्ली पुलिस के जवानों के साथ पैरामिलिट्री के जवानों को भी सड़कों पर उतारा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कितना हाई प्रोफाइल मामले को लेकर दिल्ली पुलिस वेरी सेंसिटिव तौर पर चल रही है। जी आनंद जरा ये बताइए क्योंकि 3 बजे करीब पेशी का वक्त बताया जा रहा है और अब तो 3 बजने को है, तो क्या जानकारी मिल पा रही है अब से कितनी देर में सीबीआई हेडक्वार्टर से मनीष सिसोदिया को ले जाया जा सकता है, कोर्ट में पेश किया जा सकता है, कुछ अपडेट मिल रहा है क्या? जी अगर बात करें हमारे सूत्रों ने बताया है कि तैयारियां सीबीआई ने पूरी कर ली है और किसी वक्त भी सीबीआई मुख्यालय से उनका काफिला निकल सकता है, वो जो सीधे राउज एवेन्यू कोर्ट आएगा, तो आप समझ सकते हैं। लेकिन उससे पहले सुचारू रूप से कई तैयारियां करनी है, जिसकी तैयारियां मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी दिखाया था, देखिए बैरिगेटिंग की जा चुकी है और हर एक चीजों को प्रॉपर देखा जा रहा है, जांच की जा रही है, उसके बाद ही उसको आगे क्रॉस करने दिया जा रहा है। अगर बात करें मनीष सिसोदिया की, वो आज एक संवैधानिक पोस्ट पर बैठे हुए हैं, डिप्टी सीएम है दिल्ली के, कई विभाग के हेड है और लगातार आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता प्रोटेस्ट भी कर रहे थे, उसके बाद भी आप देख सकते हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आज लगातार आते जा रहे हैं, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस भी विशेष तैयारियां कर रही है कि ये विधायक की गाड़ी है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि दिल्ली पुलिस भी इसको लेकर विशेष तैयारियां कर रखी है। जैसे ही दिल्ली पुलिस की तरफ क्लियरेंस मिलेगी उसके बाद वहां से काफिला सीबीआई मुख्यालय से राउज एवेन्यू कोर्ट को लेकर आएगा। जो सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि आज सबकी नजरें सिर्फ इस बात पर रहेंगी कि मनीष सिसोदिया को कितने दिनों की रिमांड मिलती है, जिस रिमांड से ही चलते कई चीजों के राज खुल पाएंगे। बिल्कुल आनंद, और देखिए अमूमन हम देखते हैं दिल्ली में तो लंबा जाम लगा रहता है और लोग बेहद परेशान होते हैं, ऐसे में आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं, आज तो आम लोगों की परेशानी भी बढ़ गई होगी फिर। जी आपने बिल्कुल सही कहा, जब भी हम देख रहे थे पुलिस की तैयारियों के दौरान एक लंबा जाम देखने को मिल रहा था और अब आप अभी देख सकते हैं
पुलिस की तैयारियों के चलते जाम लगा हुआ और कई गाड़ियां पीछे से ही मुड़ जा रही है। तो आप समझ सकते हैं इन दोनों राजनीतिक दल के अखाड़ों को लेकर दिल्ली की दिल्ली वासी बेहद ही परेशान है। लगातार कोशिश देखिए गाड़ियां आ रही हैं वापस वहीं से मुड़ के निकल जा रही। तो आप समझ सकते हैं कि इन दोनों पार्टियों ने जिसमें बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ने दिल्ली की सड़कों को ऐसा एक राजनीतिक अखाड़ा बना दिया है जिसे दिल्ली वासियों के लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अगर बात करें सबसे बड़ी कि दिल्ली के उपमुख्यमंत्री की गिरफ्तारी के बाद अब उम्मीद कर सकते हैं कि आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता भी कुछ शांत होंगे और उसके बाद हो सकता है धीरे धीरे सुचारू रूप से ट्रैफिक चलता रहे। बिल्कुल आनंद, देखिए दो बातें हैं। एक बात ये कि जो सीबीआई के अधिकारी हैं वो पूरी तैयारी के साथ कोर्ट में जाएंगे, उन सबूतों को वो वहां पर पेश करेंगे कि हमने इन सबूतों के आधार पर मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया है। दूसरा ये है कि मनीष सिसोदिया के वकील भी पूरी तैयारी के साथ जाएंगे यहाँ पर। और ये बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की कि सीबीआई मुख्यालय से निकले हैं मनीष सिसोदिया को लेकर सीबीआई के अफसर। इस वक्त की बड़ी खबर, अब राउज एवेन्यू कोर्ट में मनीष सिसोदिया को पेश किया जाएगा। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी होगी मनीष सिसोदिया की। इस वक्त की बड़ी खबर, सीबीआई दफ्तर से मनीष सिसोदिया निकले हैं कोर्ट में पेशी के लिए। सिसोदिया निकले हैं और चारों तरफ दिल्ली में आप देखेंगे तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और अब वो समय आ गया है जब राउज एवेन्यू कोर्ट में मनीष सिसोदिया को पेश किया जाएगा, क्योंकि सीबीआई दफ्तर से मनीष सिसोदिया को लेकर निकले हैं सीबीआई के अधिकारी। एक तरफ सीबीआई की पूरी तैयारी तो दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया के वकील भी पहुंच चुके हैं कोर्ट। अब कोर्ट में पेशी होगी, सीबीआई के अफसर रिमांड की डिमांड करेंगे। अब देखना यह होगा कि कितने दिन की रिमांड की डिमांड सीबीआई के अफसर करते हैं और कितने दिन की रिमांड सीबीआई अफसरों को मिल जाती है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मनीष सिसोदिया को लेकर जाते हुए सीबीआई के अफसर आपको नजर आ रहे हैं इन तस्वीरों में। और अब से थोड़ी देर में, क्योंकि 3 बजे का समय मुकर्रर था जब राउज एवेन्यू कोर्ट में मनीष सिसोदिया को पेश किया जाएगा, क्योंकि 3 बजने को है, चंद मिनट ही बाकी है। सबसे पहले तस्वीर आपको दिखा रहे हैं शराब, नई शराब नीति का वो मामला जिसमें घोटाले के आरोप मनीष सिसोदिया पर। और इस पूरे मामले में कई घंटों की पूछताछ के बाद आखिरकार मनीष सिसोदिया की रविवार को गिरफ्तारी और उसके बाद हंगामा आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का। और आज मनीष सिसोदिया की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। लेकिन जाम के जाम से भी जूझना पड़ रहा है, क्योंकि जगह जगह पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं और ऐसे में यातायात व्यवस्था और कानून व्यवस्था को संभालने के लिए जवान और पुलिस तैनात है। और ये तस्वीर आपको सबसे पहले दिखा रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज पर। ये काफिला निकलता हुआ और इसमें मनीष सिसोदिया सवार, और मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। आपसे थोड़ी देर में क्या कुछ निकलकर सामने आएगा इस दौरान वो आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल ये तस्वीर आप देखिए। और पेशी के दौरान सभी की नजर कि कितने दिन की रिमांड मिलती है, और रिमांड के दौरान मनीष सिसोदिया से लगातार पूछताछ की जाएगी, क्योंकि अभी तक की पूछताछ में सीबीआई के अफसर ये कह रहे हैं कि हमें अभी तक कुछ ऐसे जवाब नहीं दिए हैं मनीष सिसोदिया ने जिससे हम संतुष्ट हों, हमारे सवालों का जवाब अभी तक नहीं मिला है और इसीलिए रिमांड की डिमांड सीबीआई के अफसर करेंगे। और देखिए काफिला जाम में फंस गया है, आपको नारेबाजी की आवाज सुनकर समझ आ रहा होगा कि वहां पर आलम क्या होगा, क्योंकि ना केवल दिल्ली बल्कि अलग अलग जगहों पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। ये काफिला निकलता हुआ ये देख रहे हैं आप, इसी वाहन में सवार मनीष सिसोदिया को लेकर जाया जा रहा है राउज एवेन्यू कोर्ट। और आपको यह भी बताएं कि सिसोदिया के वकील पहले से ही कोर्ट में पहुंच चुके हैं। एक तरफ पूरी तैयारी सीबीआई अफसरों की तो दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया के वकील भी तैयारी के साथ पहुंचे हैं। अब देखना होगा कि कोर्ट के भीतर क्या कुछ होता है और क्या कुछ निकलकर सामने आते हैं वो आपको बताएंगे। आनंद मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, हम तस्वीर देख रहे हैं मनीष सिसोदिया को सीबीआई हेडक्वार्टर से लेकर निकल चुके हैं सीबीआई के अफसर। तो आनंद से एक बार फिर से कनेक्ट होने की हम कोशिश करेंगे। फिलहाल ये देखिए काफिला निकलता हुआ नजर आ रहा है, पुलिस की गाड़ियां, भारी सुरक्षा के बीच मनीष सिसोदिया को
राउस रेवेन्यू कोर्ट ले जाया जा रहा है, जहां पर पेशी मनीष सिसोदिया की होगी और सीबीआई के अफसर वो तमाम सबूत रखेंगे जिन सबूतों को सीबीआई के अफसरों की तरफ से जुटाया गया है और जिन सवालों का जवाब नहीं दिया गया है मनीष सिसोदिया की तरफ से वो भी बताया जाएगा कोर्ट में कि हमने ये सवाल किए और इन सवालों का जवाब हमें नहीं मिला और हमारे पास ये पुख्ता सबूत थे और इसी बिना पर हमने मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की है और आगे भी समय चाहिए सीबीआई के अफसरों को, इसीलिए रिमांड की डिमांड सीबीआई के अफसर करने वाले हैं। ये तस्वीर सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं, ये काफिला आगे बढ़ता हुआ और ये रुकेगा राउस रेवेन्यू कोर्ट पर। तो नई शराब नीति में घोटाले के खिलाफ लगातार आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन हम पहले भी देख चुके हैं, लगातार एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला चलता रहा था, लेकिन पूरा मामला आ अटका गिरफ्तारी पर। आखिरकार रविवार को 8 घंटे की पूछताछ के बाद शाम को मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया। वो समय है क्योंकि 3 बजने को है, चंद मिनट बाकी हैं, अब मनीष सिसोदिया को राउस रेवेन्यू कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया जा रहा है।